हेलो फ्रेंड्स, मैं निखिल कुमार बेद्रे, एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सीजीपीएससी ई पाठशाला में। सीजीपीएससी ई पाठशाला में आज का हमारा टॉपिक है छत्तीसगढ़ इकोनॉमिक सर्वे, जिस पर हम चर्चा करेंगे आपके अध्याय दो जनगणना 2011 पर। इस जनगणना वाले टॉपिक से पिछले 2-3 सालों से किस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में पूछे जा रहे हैं और इसी से रिलेटेड किस प्रकार के प्रश्न आगे एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है, इस पर हम थोड़ा डिटेल में चर्चा करेंगे। साथ ही ये आंकड़े जो मैंने बोर्ड पर लिखे हुए हैं या जो रैंकिंग मैंने बोर्ड पर बताई है, ये छत्तीसगढ़ के ओवरऑल 27 जिलों में इन जिलों की रैंकिंग है। तो आप इस कन्फ्यूजन में मत रहिएगा कि ये रैंकिंग आपके 18 जिलों पर आधारित है कि 27 जिलों पर आधारित है। छत्तीसगढ़ इकोनॉमिक सर्वे 2017-18 में भी छत्तीसगढ़ के ओवरऑल 27 जिलों की रैंकिंग दे दी गई है। उसी रैंकिंग के आधार पर मैंने ये छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों के आंकड़े और रैंकिंग बोर्ड पर बताया है। चलिए सभी पर वन बाय वन चर्चा करते हैं। पहले नंबर पर है जनसंख्या। छत्तीसगढ़ की जनसंख्या 2,55,45,198, यानी 2,55,45,198। इस 2,55,45,198 के साथ छत्तीसगढ़ भारत में 16वें स्थान पर है। देखिए, ये जो मैं पोजीशन बता रहा हूँ, 16वां स्थान, ये भारत के 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश यानी ओवरऑल 35 में छत्तीसगढ़ का पोजीशन है 16वां। इससे पहले भी छत्तीसगढ़ के पोजीशन को लेकर जो भी एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं वो इन्हीं ओवरऑल रैंकिंग यानी 35 में छत्तीसगढ़ का स्थान पूछा गया है। तो आप भी इन 35 में ही छत्तीसगढ़ का पोजीशन याद कीजिएगा। छत्तीसगढ़ की जनसंख्या 2,55,45,198 और इसी 2,55,45,198 जनसंख्या के साथ छत्तीसगढ़ भारत में 16वें स्थान पर है। अब देखिए, छत्तीसगढ़ के टॉप 3 जिले जहां पे जनसंख्या सर्वाधिक है और ऐसे जिले जहां पे जनसंख्या न्यूनतम है। तो देखिए, जनसंख्या सर्वाधिक किन जिलों में होगी और न्यूनतम किन जिलों में होगी। ऐसे जिलों में जनसंख्या सर्वाधिक होगी जहाँ पर आपका शहरीकरण है, औद्योगिक क्षेत्र से परिपूर्ण है, इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी है, मेडिकल फैसिलिटी है, एजुकेशन फैसिलिटी है, तो इन जिलों में आपका जनसंख्या ज़्यादा होगा। और जनसंख्या कम कहाँ पर होगा? ऐसे क्षेत्र जहाँ पर पहाड़ी क्षेत्र है, जंगल एरिया है, इसके अलावा आपका नक्सलाइड एरिया है, इन क्षेत्रों में जनसंख्या आपकी कम होगी। तो देखिए, टॉप 3 जिले जहाँ पर जनसंख्या सर्वाधिक है, पहले नंबर पर है रायपुर, दूसरे पर है बिलासपुर, तीसरे पर है दुर्ग। जो मैंने आपको पहले बताया था कि इन क्षेत्रों में आपका एजुकेशन फैसिलिटी है, मेडिकल फैसिलिटी है, औद्योगिकरण है, शहरीकरण है, इसलिए इन जिलों में जनसंख्या ज़्यादा है एज कम्पेयर टू अदर डिस्ट्रिक्ट। तो याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ के ये 3 जिले रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग, इसको इसी सीक्वेंस में याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ के रायपुर में सर्वाधिक जनसंख्या है, उसके बाद सेकंड नंबर पर है बिलासपुर, तीसरे नंबर पर है दुर्ग। न्यूनतम जनसंख्या किन क्षेत्र में है? पहले नंबर पर है नारायणपुर, दूसरे नंबर पर है सुकमा, तीसरे नंबर पर है आपको बीजापुर। ये तीनों जिलों जो आप देख रहे हैं, इसमें ना तो ये शहरीकरण के दृष्टि से परिपूर्ण है, ना ही यहाँ पे आपके किसी भी तरह का इंडस्ट्रियलाइजेशन है, ये जंगल वाला एरिया है, नक्सलाइड एरिया है, इस कारण यहाँ पे जनसंख्या न्यूनतम है। छत्तीसगढ़ के 3 ऐसे जिले जहाँ पे जनसंख्या सर्वाधिक है, पहले नंबर पर है आपका रायपुर, दूसरे पे बिलासपुर, तीसरे पे दुर्ग। ऐसे जिले जहाँ पे जनसंख्या न्यूनतम है, पहले पे है नारायणपुर, दूसरे पे सुकमा, तीसरे नंबर पर है आपका बीजापुर। इसको इसी सीक्वेंस में याद रखिएगा, ठीक। सेकंड नंबर पर है आपका लिंगानुपात। छत्तीसगढ़ का लिंगानुपात है 991। इस 991 लिंगानुपात के साथ छत्तीसगढ़ भारत में 5वें स्थान पर है, वही ओवरऑल 35 में। देखिए, पहले नंबर पर है आपका केरल, दूसरे नंबर पर है पांडिचेरी, तीसरे पे तमिलनाडु, चौथे पे आंध्र प्रदेश और 5वें नंबर पर है हमारा छत्तीसगढ़। तो ये ओवरऑल 35 की रैंकिंग में छत्तीसगढ़ 5वें स्थान पर है। छत्तीसगढ़ का लिंगानुपात है 991, मीन्स 991। देखिए, इससे और क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं। वर्ष 2001 में छत्तीसगढ़ का लिंगानुपात था 989, मीन्स 989। इससे और क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं? छत्तीसगढ़ का वर्ष 2011 का लिंगानुपात वर्ष 2001 के लिंगानुपात से कितना अधिक है? तो इसमें याद रखिएगा, 2 अधिक है। वर्ष 2001 में कितना था? 989। अभी वर्तमान 2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ का लिंगानुपात कितना है? 991, मीन्स 991, जो कि 2001 की जनगणना से 2 अधिक है, ठीक। अब व्यापम ने एक प्रश्न एग्जाम में पूछा था लिंगानुपात से, ये वाला, छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जनजाति का लिंगानुपात कितना है। इसमें स्पेसिफाई करके पूछा था कि छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जनजाति का लिंगानुपात कितना है। तो अनुसूचित जनजाति का लिंगानुपात है आपका 1020। जब उसने अनुसूचित जनजाति का लिंगानुपात पूछ चुका है, तो संभावना है कि इन सभी से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो देखिए, छत्तीसगढ़ में ग्रामीण क्षेत्र का लिंगानुपात 1001, मीन्स 1001, शहरी क्षेत्र का लिंगानुपात 956, मीन्स 956।
अनुसूचित जाति का लिंगानुपात 994 मीन्स 994 और अनुसूचित जनजाति का लिंगानुपात 1020 यानी 1020। इस अनुसूचित जनजाति लिंगानुपात को एग्जाम में पूछा जा चुका है। इन चारों आंकड़ों को याद रखिएगा, ये चारों आंकड़े इंपॉर्टेंट है। अब अगला, छत्तीसगढ़ के टॉप 3 जिले जहां पे लिंगानुपात सर्वाधिक है और ऐसे जिले जहां पे लिंगानुपात न्यूनतम है। तो देखिए, छत्तीसगढ़ के टॉप 3 जिले जहां पे लिंगानुपात सर्वाधिक है, पहले नंबर पर है कोंडागांव जिसका लिंगानुपात है 1033 यानी 1033। दूसरे नंबर पर दंतेवाड़ा 1023 यानी 1023 और तीसरे नंबर पर है बालोद 1022 यानी 1022। तो ये टॉप 3 जिलों का रैंकिंग और इसके साथ साथ इसके ये आंकड़े यानी लिंगानुपात, ये दोनों को याद रखिएगा। पहले नंबर पर कोंडागांव, दूसरे नंबर पर दंतेवाड़ा, तीसरे नंबर पर है आपका बालोद, उसके साथ इनके आंकड़े, इन्हें भी याद रखिए। अब न्यूनतम कहां पर है लिंगानुपात, रायपुर और दुर्ग में। रायपुर का लिंगानुपात है 963 मीन्स 963 जबकि दुर्ग का लिंगानुपात है 966 मीन्स 966। यहाँ पे लिंगानुपात कम होने के कारण क्या है? देखिए, लिंगानुपात क्या होता है, प्रति हजार लड़कों के अनुपात में या प्रति हजार पुरुषों के अनुपात में महिलाओं की संख्या, महिलाओं की संख्या और पुरुषों की संख्या के अनुपात को लिंगानुपात कहते हैं। तो यहाँ पे पुरुषों की संख्या ज़्यादा है। पुरुषों की संख्या ज़्यादा क्यों है? यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन है, तो यहाँ पे ग्रामीण क्षेत्र से रोजगार की तलाश में ज़्यादा मात्रा में जो पुरुष है इन क्षेत्रों में पलायन कर रहा है, तो इस कारण इन क्षेत्रों में लिंगानुपात न्यूनतम है। तो याद रखिएगा कि छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले कोंडागांव, दंतेवाड़ा और आपका बालोद, ये टॉप 3 जिले, और सबसे कम कहाँ पर है आपका रायपुर 963 963, जबकि दुर्ग 966 966। ये सभी को याद रखिएगा। नेक्स्ट, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। छत्तीसगढ़ के 13 जिले का लिंगानुपात 1000 से ज्यादा है। देखिए, ये तो टॉप 3 मैंने यहां बता दिए हैं, इसके अलावा 10 और है। छत्तीसगढ़ के कुल 13 जिले ऐसे हैं, मतलब 27 में से छत्तीसगढ़ के 13 जिले ऐसे हैं जिनका लिंगानुपात 1000 से ज्यादा है। ठीक, इसके अलावा एक चीज और बता रहा हूं, भारत में केवल दो राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जिनका लिंगानुपात 1000 से ज्यादा है। एक है आपका केरल, दूसरे नंबर पर है पांडिचेरी। मात्र ये दो राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जिनका लिंगानुपात 1000 से ज्यादा है, जबकि छत्तीसगढ़ में 27 में से 13 जिले ऐसे हैं जिनका लिंगानुपात 1000 से ज्यादा है। तो ये दोनों आंकड़े याद रखिएगा, भारत में दो है, पहले नंबर पर है केरल, दूसरे नंबर पर है पांडिचेरी, जबकि छत्तीसगढ़ में 13 जिले हैं। ठीक, नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ का लिंगानुपात भारत के लिंगानुपात से 48 अधिक है, इसे याद रखिएगा, क्योंकि पीएससी और व्यापम क्या है, अब डायरेक्ट प्रश्न ना पूछ करके ऐसे कंपैरिजन वाले प्रश्न ज़्यादा पूछ रहे हैं। जैसे मैंने आपको यहाँ बताया था 2011 की तुलना में 2001 का लिंगानुपात कितना अधिक है, वैसे ही ये छत्तीसगढ़ का लिंगानुपात भारत के लिंगानुपात से कितना अधिक है, इस तरीके के कंपैरिजन वाला प्रश्न पीएससी और व्यापम थोड़ा ज़्यादा उठा रहा है इस जनसंख्या वाले टॉपिक से। याद रखिएगा कि छत्तीसगढ़ का लिंगानुपात भारत के लिंगानुपात से 48 अधिक है। भारत का लिंगानुपात 943 और छत्तीसगढ़ का लिंगानुपात 991 मीन्स 991 में से 943 को आप घटा देंगे तो आपको मिलेगा ये 48। छत्तीसगढ़ का लिंगानुपात भारत के लिंगानुपात से 48 अधिक है। देखिए, अब ये लिंगानुपात से और डाटा मैंने इसमें टेबुलेशन फॉर्म में यहाँ पे लिखा हुआ है। एक्चुअली में जो जनगणना वाला टॉपिक आपके इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट में दिया गया है, तो इस बार के रिपोर्ट में जनसंख्या में उसने कम से कम 3 से 4 टेबल आपके इस लिंगानुपात वाले टॉपिक पे ही दिया है। यानी इस बार के इकोनॉमिक सर्वे में सबसे ज़्यादा फोकस लिंगानुपात पे किया गया है। तो आप इस बार संभावना है कि जो प्रश्न है इस लिंगानुपात वाले टॉपिक से पूछे जा सकते हैं। तो देखिए, उसमें एक टेबल आपका अनुसूचित जाति का लिंगानुपात के आधार पर दिया है, दूसरा अनुसूचित जनजाति का दिया है, और तीसरा ये शिशु लिंगानुपात जिसमें 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों को शामिल किया गया है। तो देखिए, अनुसूचित जाति का लिंगानुपात कितना है, 994 मीन्स 994। अब इन अनुसूचित जाति लिंगानुपात के आधार पर सर्वाधिक लिंगानुपात किस जिले में है और न्यूनतम लिंगानुपात किस जिले में है। अनुसूचित जाति का लिंगानुपात 994 सर्वाधिक है यह राजनांदगांव में, न्यूनतम है आपका सुकमा में। अनुसूचित जनजाति लिंगानुपात, अनुसूचित जनजाति का लिंगानुपात है आपका 1020, सर्वाधिक है आपका दंतेवाड़ा में, न्यूनतम है आपका रायपुर में। तीसरे नंबर पर ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा, क्यों इम्पॉर्टेंट है आगे मैं बताऊंगा। देखिए, 0 से 6 आयु वर्ग वाले या शिशु लिंगानुपात, शिशु लिंगानुपात है आपका छत्तीसगढ़ में 969 मीन्स 969।
तो इस 0 से 6 वर्ष आयु वर्ग वाले या शिशु लिंगानुपात में टॉप में है आपका दंतेवाड़ा, जबकि सबसे न्यूनतम लिंगानुपात है आपके रायगढ़ में। तो देखिए ये टेबल में जो टॉप वाले हैं और जो बॉटम में है, इन सभी का पोजीशन याद रखिएगा, क्योंकि इस बार के इकोनॉमिक सर्वे में लिंगानुपात से बहुत ज़्यादा आंकड़े दिए गए हैं। तो उसमें एटलीस्ट आप टॉप में कौन से जिले हैं लिंगानुपात के आधार पर, और नीचे में सबसे न्यूनतम लिंगानुपात किन जिलों पर है, इन अनुसूचित जाति जनजाति और ये शिशु लिंगानुपात में, इन्हें थोड़ा याद रखिएगा। अनुसूचित जाति में सर्वाधिक है आपका राजनांदगांव, न्यूनतम है आपका सुकमा। अनुसूचित जनजाति में टॉप में है आपका दंतेवाड़ा, बॉटम में है आपका रायपुर। शिशु लिंगानुपात में टॉप में है दंतेवाड़ा, बॉटम में है आपका रायगढ़, ठीक है, इसे याद रखिएगा, इसमें ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट शहरीकरण, छत्तीसगढ़ का शहरीकरण है 23.24%, यानी 23.24%। तो इस शहरीकरण में सर्वाधिक शहरीकरण वाले जिले, देखिए गलती यहाँ होती है जब हमें ऑप्शन में दुर्ग, रायपुर और बिलासपुर तीनों एक साथ दे देता है, तो हम कन्फ्यूज़न में शहरीकरण के परसेंटेज के आधार पर हम सबसे पहले नंबर पर लगाते हैं रायपुर। लेकिन याद रखिएगा कि शहरीकरण परसेंटेज आधार पर है टॉप में दुर्ग। दुर्ग में लगभग 64% जनसंख्या शहरों में निवास करती है। उसके अलावा सेकंड नंबर पर है रायपुर, थर्ड नंबर पर है कोरबा। रायपुर में 59%, कोरबा में आपका 36%। तो इसमें याद रखिएगा पहले नंबर पर शहरीकरण परसेंटेज के आधार पर दुर्ग है, सेकंड नंबर पर है रायपुर। इसमें रायपुर और दुर्ग दोनों में कन्फ्यूजन होता है, यह प्रश्न आए तो थोड़ा देख के लगाइएगा, ठीक है। अब न्यूनतम शहरीकरण या शहरी क्षेत्र न्यूनतम किन जिलों में है, पहले नंबर पर है आपका बलरामपुर जहां पे लगभग 4% है, उस सेकंड नंबर पर है गरियाबंद जहां पे 6% है, जशपुर जहां पे 8% है। ये परसेंट आप याद नहीं भी करेंगे तो चलेगा, लेकिन आप ये पोजीशन याद रखिएगा। शहरीकरण परसेंटेज के आधार पर टॉप 3 जिले हैं आपका दुर्ग, सेकंड नंबर पर रायपुर, थर्ड नंबर पर कोरबा। वैसे ही न्यूनतम है बलरामपुर, गरियाबंद और जशपुर, ठीक है, तो ये पोजीशन याद रखिएगा। अब आप शहरीकरण के आंकड़े याद कर लेंगे तो आपको ग्रामीण क्षेत्र के परसेंटेज ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। देखिए शहरीकरण कितना है आपका 23.24%, 23.24%। तो ग्रामीण क्षेत्र में कितने परसेंट हो गए, 100 - 23.24 कर दीजिए, कितना आएगा 76.76%। यानी छत्तीसगढ़ में ग्रामीण क्षेत्र लगभग 76.76% है, या ग्रामीण आबादी आपकी 76.76% है। अब जो जिले आपके न्यूनतम में हमने शहरीकरण में लिखा था, वही ग्रामीण क्षेत्र में आपके हो जाएंगे सर्वाधिक ग्रामीण क्षेत्र वाले जिले। देखिए यहाँ पे आपका शहरीकरण कितना है 4%, यानी इसमें ग्रामीण आबादी या ग्रामीण क्षेत्र कितना होगा 100 - 4, यानी 96.96%। वैसे ही गरियाबंद में 94%, जशपुर में 92%। तो आपको बस एक ही आंकड़े याद रखने हैं शहरीकरण के, शहरीकरण के आधार पर टॉप 3 जिले पहले नंबर पर दुर्ग, दूसरे नंबर पर रायपुर, तीसरे नंबर पर कोरबा, न्यूनतम बलरामपुर, गरियाबंद, जशपुर। यदि ग्रामीण क्षेत्र पूछा तो इस न्यूनतम वालों को सर्वाधिक के श्रेणी में रख दीजिएगा और इस सर्वाधिक वाले को न्यूनतम के श्रेणी में रख दीजिएगा। ग्रामीण क्षेत्र में सर्वाधिक या टॉप 3 जिले है आपका बलरामपुर, गरियाबंद, जशपुर, जबकि न्यूनतम ग्रामीण क्षेत्र वाले जिले है आपका दुर्ग, सेकंड नंबर पर रायपुर, तीसरे नंबर पर कोरबा, इसे याद रखिएगा, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं अपन जनसंख्या वृद्धि दर। छत्तीसगढ़ की जनसंख्या वृद्धि दर वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार है आपका 22.61%, 22.61%। देखिए वर्ष 2001 में छत्तीसगढ़ की जनसंख्या वृद्धि दर थी आपकी 18.06%। तो इससे प्रश्न ये पूछ सकता है कि वर्ष 2001 की जनगणना की तुलना में 2011 में जनसंख्या वृद्धि दर में कितने प्रतिशत का अंतर है, तो 4.7%, ठीक है, ये अंतर है। अब देखिए छत्तीसगढ़ में टॉप 3 जिले जहाँ पे जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है, पहले नंबर पर है बलौदाबाजार, सेकंड नंबर पर है बेमेतरा, थर्ड नंबर पर है कवर्धा। तो देखिए ये बलौदाबाजार को याद रखिएगा, अभी तक के जनसंख्या वाले आंकड़ों में हम पढ़ते आ रहे हैं और काफ़ी बुक्स में भी हमको ये मिल रहा है कि छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाला जिला है आपका कवर्धा या कबीरधाम 40%। लेकिन ये जो आंकड़े था, ये आंकड़ा था आपका 18 जिलों पर आधारित, लेकिन अभी जो आर्थिक सर्वेक्षण 2017-18 के जो आंकड़े जारी किए गए हैं उसमें
बलौदा बाजार में जनसंख्या वृद्धि दर 2011 की जनगणना के अनुसार 49% है, ठीक है। बलौदा बाजार का निर्माण वर्ष 2012 में हुआ। छत्तीसगढ़ सरकार ने इस बार के आर्थिक सर्वेक्षण में आपके स्पेशली जनगणना वाले अध्याय में मुख्य बिंदु में इसे लिखा है, तो इससे प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। देखिए, हम अभी तक पढ़ते आ रहे थे कि छत्तीसगढ़ में जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक किस जिले में है, तो उसे हमने पढ़ा था कबीरधाम या कवर्धा। लेकिन याद रखिएगा, 27 जिलों के आधार पर यदि पूछे तो छत्तीसगढ़ में जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक बलौदा बाजार जिले की है। टॉप थ्री, पहले नंबर पर है बलौदा बाजार जिसमें है 49%, सेकंड नंबर पर है बेमेतरा जिसमें है 42%, थर्ड नंबर पर है आपका कवर्धा या कबीरधाम 40%। तो ये तीनों को याद रखिएगा, बलौदा बाजार, बेमेतरा और कवर्धा। जनसंख्या वृद्धि दर न्यूनतम किस जिले में है? पहले नंबर पर है सुकमा, दूसरे नंबर पर है बीजापुर। तो इसमें स्पेशली आप ये बलौदा बाजार को याद रखिएगा, क्योंकि ये जनसंख्या वाले टॉपिक में मुख्य बिंदु में भी शामिल है। और इसमें कन्फ्यूज़न भी होता है, क्योंकि अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में जनसंख्या वृद्धि दर कवर्धा में सर्वाधिक रहा है, जो कि आपके 18 जिलों पर आधारित था। ठीक, देखिए नेक्स्ट आपका कार्यशील जनसंख्या। छत्तीसगढ़ में कार्यशील जनसंख्या का परसेंटेज आपका 47.68%, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे प्रश्न पिछले साल व्यापम में आ चुका है। देखिए, कार्यशील जनसंख्या होती क्या है? कार्यशील जनसंख्या का मतलब आप ऐसे मत समझिएगा कि कार्यशील जनसंख्या छत्तीसगढ़ 47.68% है, इसका मतलब कि छत्तीसगढ़ में लगभग 47.68% लोग किसी न किसी कार्य में लगे हुए हैं, यानी किसी न किसी रोजगार में लगे हुए हैं, ये कार्यशील जनसंख्या नहीं होती। देखिए, इस कार्यशील जनसंख्या में 15 से 59 वर्ष आयु वर्ग के लोगों को शामिल किया गया है। ये 15 से 59 वर्ष आयु वर्ग के लोगों को श्रमिक वर्ग कहा जाता है। 15 से पहले यानी 0 से लेकर 14 और 59 के बाद यानी 60 से लेकर 100 वर्ष इन लोगों को आश्रित वर्ग में शामिल किया जाता है, 0 से 14 और 60 से 100, जबकि 15 से लेकर 59 वर्ष आयु वर्ग के लोगों को आपका श्रमिक वर्ग में शामिल किया जाता है। तो देखिए, इस 15 से लेकर के 59 वर्ष आयु वर्ग के लोगों में जो भी लोग शामिल है वो या तो किसी न किसी कार्य को कर रहे हैं, यानी किसी न किसी रोजगार में है, या कार्य करने की इच्छा रखते हैं। कार्य करने की इच्छा रखते हैं मतलब कार्य करना चाहते तो है लेकिन उनके पास रोजगार उपलब्ध नहीं है। तो इस 15 से लेकर के 59 वर्ष की आयु वर्ग में जो भी व्यक्ति शामिल है, भले वह रोजगार में हो या ना हो, लेकिन उसमें श्रम शक्ति की काबिलियत है, वो कोई ना कोई कार्य कर सकता है, उसे शामिल किया जाता है इस कार्यशील जनसंख्या में। देखिए, आप कई जगह में पाएंगे कि ये कार्यशील जनसंख्या आपको मिलेगा 15 से लेकर के 64 वर्ष आयु वर्ग के लोग, लेकिन ये जो मैंने उठाया है ये है आपका एनसीईआरटी बुक में दिया है। एनसीईआरटी बुक में आपका कार्यशील जनसंख्या का जो आयु वर्ग है वो 15 से लेकर 59 वर्ष आयु वर्ग को शामिल किया गया है। आपको कई जगह में या नेट में भी आपको देखने के लिए मिलेगा 15 से लेकर के 64 वर्ष कई जगह पर दिया गया है, लेकिन एनसीईआरटी के बुक में कार्यशील जनसंख्या के अंतर्गत 15 से लेकर के 59 वर्ष आयु वर्ग के लोगों को शामिल किया गया है, ये एनसीईआरटी के अनुसार है। देखिए, छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक कार्यशील जनसंख्या किस जिले में है, ये प्रश्न आपका पूछा जा चुका है पिछले साल व्यापम के एक एग्जाम में। सर्वाधिक है आपका जशपुर में 57%। देखिए, उस एग्जाम में पूछा था कि छत्तीसगढ़ के किस जिले में कार्यशील जनसंख्या सर्वाधिक है, उसमें ऑप्शन में दिया था पहले नंबर पर दुर्ग, सेकंड पर रायपुर, तीसरे पर जशपुर, चौथे नंबर पर आपका कवर्धा। तो इसमें सबसे पहले नंबर पर हम यही सोचते हैं कि दुर्ग या रायपुर, दोनों में से कोई एक होगा। क्यों? क्योंकि हम कार्यशील जनसंख्या को कंपेयर करते हैं आपके रोजगार से। तो देखिए, इस कार्यशील जनसंख्या के अंदर 15 से 59 वर्ष आयु वर्ग के लोग जो कार्य करना चाहते या कार्य करने की इच्छा रखते, यानी रोजगार और बेरोजगार दोनों वर्ग, यदि वो 15 से लेकर 59 वर्ष की आयु वर्ग में शामिल है तो वे कार्यशील जनसंख्या में शामिल होंगे। तो इस प्रश्न का उत्तर था आपका, छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक कार्यशील जनसंख्या जशपुर जिले में है 57%, जबकि सबसे कम कार्यशील जनसंख्या है आपका दुर्ग में 39%, इसे याद रखिएगा। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं धर्मवार। छत्तीसगढ़ में धर्मवार जनसंख्या, इसमें केवल बस आप ये सीक्वेंस याद रखिएगा, अगर प्रश्न पूछना भी हुआ तो इस सीक्वेंस से ही प्रश्न पूछेगा। सबसे सर्वाधिक जनसंख्या है छत्तीसगढ़ में हिंदुओं की, हिंदू के बाद मुसलमान, मुसलमान के बाद ईसाई, उसके बाद सिख, सिख के बाद बौद्ध, बौद्ध के बाद जैन, और फिर जैन के बाद है आपके अवर्णित। तो ये सीक्वेंस याद रखिएगा कि छत्तीसगढ़ में धर्मवार जनसंख्या, पहले पे हिंदू, उसके बाद मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन और अवर्ण, केवल ये सीक्वेंस याद रखिए।
अब देखिए ये यहाँ तक का, ये जो शुरू से पॉइंट वन से लेकर पॉइंट सिक्स तक का जो मैंने बताया है, ये आपके इकोनॉमिक सर्वे में दिया हुआ है। ये नीचे के मैं आपको थोड़ा एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, क्योंकि इससे प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं पहले भी। नेक्स्ट है आपका जनसंख्या घनत्व। छत्तीसगढ़ का जनसंख्या घनत्व आपका 189। ये जनसंख्या घनत्व होता क्या है, इसे निकालते कैसे है? प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाली औसत जनसंख्या ये जनसंख्या घनत्व में शामिल होती है। तो छत्तीसगढ़ का जनसंख्या घनत्व है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 189, जबकि 2001 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ का जनसंख्या घनत्व था आपका 154। CGPSC 2015 प्री में डायरेक्ट प्रश्न पूछा गया था कि वर्ष 2011 की जनसंख्या घनत्व में 2001 की तुलना में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो याद रखिएगा कि छत्तीसगढ़ के वर्ष 2011 की जनगणना में जनसंख्या घनत्व में 2001 की तुलना में 35 की वृद्धि हुई। इसमें आपको 189 से आपको 154 को माइनस कर देना है। ये डायरेक्ट प्रश्न आपको पूछा गया था CGPSC 2015 में, जिसमें 2011 का कंपैरिजन या तुलना किया था 2001 के आंकड़ों से। तो इसलिए मैंने आपको पहले ही बताया है कि ये तुलना वाले प्रश्न या कंपैरिजन वाले प्रश्न CGPSC और व्यापम ज़्यादा उठा रहे हैं। जैसे आपका एक ये प्रश्न हो गया, इसके अलावा छत्तीसगढ़ का लिंगानुपात भारत के लिंगानुपात से कितना अधिक है, ये कंपैरिजन वाला प्रश्न पूछा जा सकता है। इसके अलावा आपका ये वर्ष 2001 में छत्तीसगढ़ का लिंगानुपात 989, अभी वर्तमान में 991, तो ये दोनों को माइनस करके लिंगानुपात कितना अधिक है, 2 अधिक है। तो ये कंपैरिजन वालों को थोड़ा स्पेशली ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इनसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ का जनसंख्या घनत्व, छत्तीसगढ़ के टॉप 3 जिले जहां पे जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है, पहले नंबर पर है जांजगीर चांपा, दूसरे नंबर पर है दुर्ग, तीसरे नंबर पर है आपका रायपुर। टॉप 3 को याद रखिएगा, जांजगीर चांपा फर्स्ट, सेकंड नंबर पर दुर्ग, थर्ड नंबर पर है आपका रायपुर। न्यूनतम किन जिलों में है, न्यूनतम है आपका पहले नंबर पर है नारायणपुर, सेकंड नंबर पर है सुकमा। ठीक, तो जनसंख्या घनत्व से क्वेश्चन बनेंगे, तो आपका एक ये कंपैरिजन वाला क्वेश्चन बन चुका है। सेकंड बनेगा तो आपका ये सर्वाधिक और न्यूनतम, टॉप 3 में है आपका जांजगीर चांपा, दुर्ग और रायपुर, न्यूनतम में है आपका नारायणपुर और सुकमा। ठीक, देखिए अब हम चर्चा करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट पर, जिनसे प्रश्न पूछे भी जा चुके हैं और कुछ ऐसे फैक्ट जिनसे प्रश्न पूछे जाने की संभावना भी है। तो देखिए ये वाला जो फैक्ट है, इससे प्रश्न पूछा गया है, वर्ष 1921 को जनसंख्या इतिहास का महाविभाजक वर्ष या जनसंख्या विभाजक वर्ष कहा जाता है। पिछले साल व्यापम ने इससे प्रश्न उठाया था, जिसमें उसने पूछा था कि भारतीय जनगणना इतिहास का या जनसंख्या इतिहास का महाविभाजक वर्ष या जनगणना विभाजक वर्ष किसे कहा गया है। तो याद रखिएगा वर्ष 1921 को भारतीय जनसंख्या इतिहास या जनगणना इतिहास का महाविभाजक वर्ष या जनसंख्या विभाजक वर्ष या जनगणना विभाजक वर्ष माना गया है। यदि आपसे वर्ष पूछे तो वर्ष 1921 लगाइएगा, यदि दशक पूछे तो 1911-1921 लगाइएगा। वर्ष में 1921, दशक में 1911-1921। देखिए भारत में जनगणना का इतिहास काफ़ी पुराना है। भारत में पहली जनगणना हुई थी आपका वर्ष 1872 में लॉर्ड मेयो के समय। भारत में दार्शनिक जनगणना प्रारंभ हुई वर्ष 1881 से लॉर्ड रिपन के समय से। तो भारत में जो जनसंख्या वृद्धि दर है, जो भारत की आबादी स्टार्टिंग में लगातार उसमें गिरावट आ रही थी, जब भारत में जब जनगणना प्रारंभ हुई थी तो वर्ष 1881 से लेकर के 1911 या 1921 तक भारत की जनसंख्या में काफ़ी गिरावटें आ रही थी, 5% 5 से लेकर के 3% 2%। और वर्ष 1921 में जो जनगणना के आंकड़े जारी किए गए उसमें भारत में जनसंख्या वृद्धि दर ऋणात्मक पहुँच चुकी थी। वर्ष 1921 में भारत में अकाल, सूखा और महामारी की स्थिति के कारण भारत में जो जनसंख्या वृद्धि दर थी या भारत की आबादी में काफ़ी गिरावट आई थी। अभी वर्तमान में भारत का जो आपका जनसंख्या वृद्धि दर वो है आपका 17.69%, लेकिन वर्ष 1881 से लेकर के 1921 तक भारत की जो जनसंख्या वृद्धि दर थी या भारत की जो जनसंख्या या आबादी है उसमें काफ़ी गिरावट आ रही थी, 8% 8 से 5% 3% 2% 1%, यहाँ तक कि वर्ष 1921 में आते आते भारत का जो जनसंख्या वृद्धि दर था वो ऋणात्मक में जा चुका था। इसका मुख्य कारण था कि उस वर्ष भारत में सूखा पड़ा था, अकाल की स्थिति बन चुकी थी, इसके अलावा महामारी, इन सभी कारणों से भारत में जो जनसंख्या वृद्धि दर थी वर्ष 1921 में -0.31% थी।
-0.31%। तो इसीलिए वर्ष 1921 को भारतीय जनसंख्या इतिहास का महाविभाजक वर्ष और जनसंख्या विभाजक वर्ष कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि वर्ष 1921 के आते तक भारत में जनसंख्या वृद्धि दर ऋणात्मक पहुंच चुकी थी और वर्ष 1921 के बाद से लगातार भारत की जो जनसंख्या वृद्धि दर लगातार बढ़ती ही जा रही है। अब उसमें जो पहले जो गिरावट आ रही थी, मतलब 10%, 5%, 3%, ऐसे गिरावट आते आते वर्ष 1921 में ऋणात्मक की स्थिति में पहुंच गया। वर्ष 1921 के बाद से लेकर के अभी तक इसकी जनसंख्या में लगातार वृद्धि हुई है, कमी नहीं हुई है, लगातार वृद्धि हुई है। इसीलिए वर्ष 1921 को भारतीय जनसंख्या इतिहास का महाविभाजक वर्ष या जनसंख्या विभाजक वर्ष या जनगणना विभाजक वर्ष कहा जाता है। वर्ष पूछेगा तो वर्ष 1921, दशक पूछे तो 1911-1921। ठीक, अब देखिए ये दो पॉइंट ऐसे हैं जिनसे प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। इससे छत्तीसगढ़ के नहीं, ये थोड़ा अपने इंडिया लेवल के प्रश्न हैं। भारत की जनसंख्या में सर्वाधिक वृद्धि वर्ष 1961-71 के दशक में हुई थी। भारत की जनसंख्या में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वर्ष 1961-71 के दशक में हुई थी, वो थी आपकी 24.8%। भारतीय इतिहास में यह सबसे ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि है, अब तक की सबसे ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि रही है वर्ष 1961-71 के दशक में 24.8%। तो इसे याद रखिएगा। यदि वर्ष पूछेगा किस वर्ष के जनगणना में भारत में जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक रही, तो आप लगाइएगा 1971-1971। यदि किस दशक में पूछे तो 1961-71 इसे लगाइएगा। कितना परसेंट था? 24.8% जो भारतीय जनगणना इतिहास का अब तक का सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर है। ये वाला प्रश्न है, लास्ट फैक्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट। 2011 के जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार किस राज्य में शिशु लिंगानुपात सर्वाधिक है? इसका आंसर है छत्तीसगढ़। पूरे के पूरे भारतवर्ष में 2011 के जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार छत्तीसगढ़ में शिशु लिंगानुपात सर्वाधिक है। इसे याद रखिएगा। ये प्रश्न आपका यूपीपीएससी 2012 यानी उत्तर प्रदेश पीएससी 2012 में आ चुका है। इसके अलावा यूपीएससी के कूट आधारित प्रश्न में भी इस प्रश्न को पूछा जा चुका है, लेकिन छत्तीसगढ़ के पीएससी या व्यापम ने इस प्रश्न को अभी तक नहीं उठाया है। अदर स्टेट में यह प्रश्न आ चुका है कि वर्ष 2011 के जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार किस राज्य का शिशु लिंगानुपात सर्वाधिक है, तो उसका आंसर आएगा आपका छत्तीसगढ़, 969। देखिए मैंने आपको पहले ही बताया था, यहाँ पे इसमें शिशु लिंगानुपात में आपका 0 से लेकर 6 वर्ष आयु वर्ग के लोगों को शामिल किया गया है, यानी शिशुओं को शामिल किया गया है। तो इन तीनों पॉइंट को थोड़ा याद रखिएगा कि वर्ष 1921 को भारतीय जनसंख्या इतिहास का महाविभाजक वर्ष या जनसंख्या विभाजक वर्ष कहा जाता है। भारतीय जनसंख्या में सर्वाधिक वृद्धि वर्ष 1961-71 के दशक में या वर्ष 1971 में हुई लगभग 24.8%, जो अब तक के भारतीय जनगणना इतिहास में या जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक रही। नेक्स्ट, 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार छत्तीसगढ़ में शिशु लिंगानुपात सर्वाधिक है। इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा, केरला हमारे माइंड में रहता है कि केरला ये सब मामले में सबसे टॉप पे रहता है, लेकिन केरला का जो शिशु लिंगानुपात है वो है आपका 964, जबकि छत्तीसगढ़ का शिशु लिंगानुपात है आपका 969। छत्तीसगढ़ केरला से भी आगे है शिशु लिंगानुपात के मामले पे, इसे याद रखिएगा। ठीक, तो ये कुछ जनगणना से मैंने इम्पोर्टेंट प्रश्न और संभावित प्रश्न उठाए हैं। तो आज का हमारा छत्तीसगढ़ इकोनॉमिक सर्वे अध्याय 2 जनगणना 2011 टॉपिक यहीं समाप्त होता है। यदि आपको किसी भी डाटा या किसी भी आंकड़े पे कन्फ्यूज़न लगे तो आप उसे नीचे कमेंट सेक्शन में जाके जरूर पूछ सकते हैं। आज के लेक्चर संबंधित ये व्हाइट बोर्ड का स्क्रीनशॉट आपको हमारे टेलीग्राम चैनल और फेसबुक पेज, ये दोनों में अपलोड कर दिया जाएगा, जहाँ से आप इस बोर्ड के स्क्रीनशॉट को डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।